Congress workers protested in the national capital over the flaws that exist in the Aam Aadmi Party government. Angry protesters said that Aam Aadmi Party has always questioned every person on grounds of corruption but never looked within. Protesters made references to the likes of Jitendra Singh Tomar and Somnath Bharti. An NNIS exclusive. ये जो केजरीवाल के हैं, इन्होंने वादे तो बहुत किए थे लेकिन सारे वादों पे ये सफल किसी पे नहीं हो पाए। मेन फर्जी डिग्री करनी और करनी कथनी में बहुत फर्क है। फर्जी डिग्री है और अपनी जो है वैसे कहते थे गिरफ्तार करो लेकिन वो जब अपने ऊपर आया, अपने नेताओं के ऊपर आया तो उन्होंने किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। उनको ये करना चाहिए भाई, महिलाओं के ऊपर जो इतने अत्याचार होंगे उनके खुद के जो नेता है, देनी चाहिए। नेता जो खुद के हैं अपने, वो अपनी महिलाओं के ऊपर वो कर रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको गिरफ्तार करना चाहिए उन लोगों को ना। तो महिलाओं पे अत्याचार नहीं करना होना चाहिए, मारपीट नहीं होनी चाहिए। फर्जी डिग्री है जो महिलाओं पे अत्याचार, वो नहीं होना चाहिए, मारपीट नहीं होनी चाहिए। वैसे कह रहे अत्याचार खत्म करेंगे महिलाओं पे, बल्कि उल्टा अत्याचार महिलाओं पे हो रहे हैं, मतलब बंद नहीं हो रहे, उससे ज्यादा हो रहे हैं। बल्कि हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपने बहुत वादे किए थे कि हम जो कांग्रेस है बहुत भ्रष्टाचार कर रही है, लेकिन अब हम ये दिखा रहे हैं कि भ्रष्टाचार ये लोग कर रहे हैं। ये अपनी फर्जी डिग्रियों से MLA बने हैं और ये सोमनाथ भारती अपनी बीवी पे अत्याचार करता है, उसको मारता है, कुत्तों से कटवाता है और उस पर कितनी कितनी शर्म करो। यही हम सोमनाथ भारती को कहते हैं और केजरीवाल को कहते हैं, आप गिरफ्तार हो क्योंकि आपने यही कहा था कि अगर कोई ऐसा नेता होगा तो हम उसी टाइम गिरफ्तारी देंगे। अब वो कहाँ गए? उन्होंने पहले भी एक रेड पड़वाई थी महिलाओं के खिलाफ, वो क्या महिलाओं के खिलाफ ही बोलते हैं, और अब तो हद हो गई। उन्होंने अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ा है और कुत्तों से कटवाते हैं, उनकी पिटाई कर रहे हैं। कितनी शर्मजनक बात है, सिगरेट जलाते हैं उनको कुत्तों से कटवाते हैं। कितनी गलत बात है कि घर की जो झगड़ा है वो पूरे देश को पता है। अब इस तरह का जो इनका जेल भेजिए इनको, और महिलाओं के साथ अन्याय होना चाहिए और महिलाएं महिलाओं के ऊपर अत्याचार बिल्कुल नहीं सहेंगी। हम चाहते हैं केजरीवाल साहब जो है इस पोस्ट के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं है, तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। कि केजरीवाल सरकार ने ये वादा किया था कि हम महिलाओं का संरक्षण देंगे और हर बस में हम एक CCTV लगवाएंगे। तो हमारी तो डिमांड ये है कि सबसे पहले केजरीवाल अपने जो MLAs हैं ना, उनके घरों में एक CCTV लगवा दें, क्योंकि उनके MLAs जो हैं क्रांतिकारी आतंकवादी हैं जो अपनी महिलाओं पर, अपनी बीवियों पर अत्याचार करते हैं। और सबसे पहले जो CCTV है उनके MLAs के घर पे होना चाहिए, बाद में रोड पे लगवाएं, क्योंकि जो अत्याचार की जो शुरुआत है उनके अपने MLAs के घरों से हो रही है। और इस बिना पर हम तो जब जानेंगे महिला के बतौर एक कि जब वो केजरीवाल साहब इस्तीफा देंगे, इस बात पर इस्तीफा दें और सोमनाथ को आज ही गिरफ्तार करेंगे, जेल भेजेंगे। Powered by NNIS.